हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक प्राकृतिक सुंदरता जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, ये नहीं है, और दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में, आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो आप पूरा देखिए फिर दिखाते हैं आपको। कानपुर मार्ग पे चलते हुए अभी पहुंचने वाले हैं काफी इटावा। ये देखो यहाँ से मंदिर दिखने लगा, अभी पहुंच रहे हैं मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास। फिर दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का व्यू। देखो मंदिर बहुत ही पास हम लोग पहुंच गए हैं, एक बाइक लग गई है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पागल बाबा मंदिर। तो अभी चलेंगे, ये देखो रहा यहाँ का प्रवेश द्वार, अभी चलेंगे इसके अंदर, फिर दिखाएंगे कुछ अंदर का व्यू, क्योंकि यहाँ से दरवाजे से लगता है कि बहुत ही कमाल का बना हुआ है पूरा पागल बाबा मंदिर। अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप तब तक वीडियो पूरी देखना क्योंकि आज बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं। ये देखो यहीं से आप देख सकते हैं कितना अच्छा दरवाज़ा वगैरह सारा बना हुआ है और वहाँ तक है। अभी चल रहे हैं गेट के अंदर, फिर दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। तो यहाँ पे ये देखो पीछे साइड, ये रहा पूरा मेन मंदिर। यहाँ पे अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर, अंदर दिखाएंगे आपको बहुत ही कमाल का व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर, फिर दिखाते हैं आपको एक और। यहाँ पे देखो पहले बजाते हैं घंटा, ये रहा देखो मंदिर का पूरा अंदर का व्यू। यहाँ पे देखो ये दान पेटी, ये रहा देखो ऊपर मंदिर का बहुत कमाल का व्यू है। यह देखो श्री आठ लीलानंद ठाकुर पागल बाबा हृदय मंदिर, ये देखो अंदर अंदर से दिखाते और भी बहुत ही। ये पागल बाबा का यही जो मेन मंदिर है पागल बाबा के, वो यही है, यही जो सामने प्रतिमा दिख रही है यही मंदिर है। ये देखो सामने अंदर भी बहुत कमाल का बना हुआ, ये देखो पूरा पूरा बहुत ही ज़्यादा कमाल का बना हुआ है। एसी वेसी पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर बाबा जी के लिए। और ये देखो पूरा दिखाते देखो बाहर से, ये देखो इस तरीके से पूरा मंदिर बना हुआ है। अभी चलते हैं और इस साइड राउंड करके दिखाते हैं और पूरा। ये देखो इधर आरती वगैरह सुबह शाम होती होगी इस वजह से, ये देखो बॉक्स भी यहाँ पे लगे हैं इस साइड, ये पूरा देखो बॉक्स लगा हुआ है। ये देखो एक सामने बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखो, और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ मंदिर। ये देखो इस साइड की डिज़ाइन ऐसी, ये देखो डिज़ाइन लग रही है मंदिर के चारों तरफ है। और इस साइड ये देखो, ये देखो जब आरती वगैरह होती है तो ये देखो सुविधा है यहाँ पे, क्योंकि पहले लोग बजाते थे, अब के ज़माने में नया नया मॉडल आ गया, तो बस इस वाले मोटर को चालू करते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें बजना स्टार्ट हो जाती हैं। मंदिर का ये देखो पूरा अंदर का दृश्य था, आप चलते हैं इसके अंदर, अंदर भी कुछ है दिखाते हैं आपको, क्योंकि पहली बार जा रहा हूं तो कोई आइडिया नहीं है क्या हो सकता है, किसी की प्रतिमा वगैरह होगी तो आपको दिखाते हैं। ये देखो ओ भाई अंदर पूरा बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे, ये देखो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखो महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है, ये देखो सामने ये है पूरा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो फ़ोटो लगी हुई है पागल बाबा की, यही है इन्हीं का बना हुआ है। ये देखो पूरा हॉल है, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो नीचे वाला ये पूरा दृश्य देख लिया, अभी चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि ऊपर भी कुछ अच्छा सा दृश्य है, तो दिखाते हैं आपको, बने रही है मेरे साथ। इसका ग्राउंड भी देखो यहाँ से, देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखो मेन मंदिर है सामने, सामने से ये देखो पूरा, यहाँ तक ये पूरा ग्राउंड जितना भी देख रहे हैं पूरा पागल बाबा मंदिर का ही है। अभी चलते हैं अंदर, अंदर देखो बहुत शानदार। अभी इस साइड देखो काम चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी तो इस साइड देखो काम वगैरह चल रहा है। ये देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो ये उसी मंदिर के ऊपर जस्ट बना हुआ है राजेश्वरी केला देवी मंदिर। ये काफ़ी भव्य मंदिर है क्योंकि ये देखो चांदी की कोटिंग की गई है पूरे मंदिर में, पूरी चांदी की कोटिंग की हुई है। ये देखो मंदिर के जस्ट बाहर ये देखो चांदी की पूरी कोटिंग की हुई है। ये देखो इस साइड और गेट अंदर मूर्ति सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं सभी ये देखो चांदी की बनी हुई है। ये पूरा मंदिर है क्योंकि अभी कार्य चल रहा है। ये देखो यहाँ पे जो पीछे वाला मंदिर ये है इसकी जो बात कर रहा था, ये देखो पूरी चांदी की इसमें कोटिंग की गई है क्योंकि अंदर जो मंच वगैरह बना हुआ है वो भी पूरा चांदी की कोटिंग का है उस पर। ये देखो पूरा जो राउंड से लगा हुआ है इस साइड जो गेट वगैरह भी है वो भी चांदी की कोटिंग से बनी हुई है। उसके अलावा काफ़ी अच्छा है। और ये देखो आपको वहाँ पे दिखाया था ये जो आरती वगैरह होती है उस समय जो बजता है तो वो सारा है। और इसके चलो राउंड में और भी देखते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भी आगे वीडियो में बने रहिए साथ, तब तक आप लाइक करिए, लाइक नहीं करते आप, तब तक आप लाइक करिए। और भी दिखाते हैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये मंदिर दिखाने के क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मेरे साथ एक बड़े भाई हैं करुणा निधि, तो यही लेके आए यहाँ पे मंदिर दिखाने के लिए। काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और पीछे कुछ है उस साइड वो दिखाते हैं आपको पूरा। ये देखो यहाँ से पूरा व्यू क्योंकि काफ़ी ऊपर तक प्रोसेस चल रहा है। ये देखो ये पूरा मंदिर का व्यू है, ये पूरा मंदिर का व्यू है। अभी चल रहे हो उस साइड, इस साइड देखो, ये देखो पूरा मंदिर वगैरह, उस साइड भी काफ़ी मंदिर हैं। और एक तालाब है वो भी दिखाएंगे, काफ़ी प्रसिद्ध तालाब है यहाँ पे। और मंदिर भी कुछ बने हुए हैं जो कि सभी मंदिर अलग अलग बने हुए, वो भी मंदिर भी आपको पूरे दिखाते हैं। और ये देखो अभी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है वहाँ पे। ये देखो गेट स्टार्ट होते ही इस साइड देखो एक शेर एक उस साइड बना हुआ है। और इस साइड देखो ये देखो मेन है और यहाँ से ये देखो पूरा तालाब है, तालाब का पूरा व्यू। और उस साइड देखो बहुत बड़ी प्रतिमा, देखो बैक से दिखाती है आपको, बहुत बड़ी है। ये देखो पूरा स्विमिंग पूल तालाब बना हुआ है। और ये सामने देखो एक शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। और ये देखो पूरा ये देखो बिल्डिंग बनी हुई है। और उस साइड देखो एक मंदिर ये रहा और एक मंदिर वो रहा और एक मंदिर ये रहा। तालाब के चारों कोनों पर मंदिर हैं, सभी अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं बने हुए हैं। ये देखो और दिखाते हैं किस किस के मंदिर है। वो था पीछे तिरुपति बालाजी का, ये सामने है देखो सिद्धि विनायक, वहाँ पे भी चलते हैं और ऐसे चारों मंदिर दिखाते हैं आपको। ये देखो सिद्धि विनायक मंदिर है, ये देखो गणेश भगवान सिद्धि विनायक इन्हें बोलते हैं, ये पूरा मंदिर है। ये देखो इस तरीके से बना, ये कोने पे बना हुआ। और आगे वो देखो सामने बना है सालासर बालाजी, वो देखो वो वहाँ पे भी चलते हैं। ये देखो रहा है सालासर बालाजी का मंदिर, काफी अच्छा मंदिर है। ये देखो मंदिर पूरा बना यहाँ पे देखो, ये देखो एक शिव जी की प्रतिमा ऊपर देखो काफी बड़ी शिव जी की प्रतिमा है, नीचे शिवलिंग है जो कि आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। ये देखो शिव जी की शिवलिंग बनी हुई है और ऊपर इसी के ऊपर जस्ट ऊपर प्रतिमा है जो कि शंकर भगवान की है। ये देखो शिवलिंग बना हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखो और ऐसे चारों कोनों पे जैसा कि बताया है चारों कोनों पे मंदिर है। ये देखो ये एक मंदिर, ये देखिए ये है शनि महाराज की देखो प्रतिमा। ये देखो एक मंदिर बना है क्योंकि चारों कोनों पे अलग अलग भगवान के मंदिर बने हुए हैं जैसा कि आपको बताया। ये देखो इस साइड एक काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे। देखो ये देखो यहाँ पे जो पागल बाबा मंदिर है उसका यज्ञ यहीं होता है। देखो ये पूरा एरिया है इसी में देखो यज्ञ होता है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखो वो देखो सामने यज्ञ का बना हुआ है। ये देखो बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं ये, और ऊपर का ये देखो ये लगा हुई है तो बजाया ही नहीं। ये देखो काफ़ी अच्छा पूरा भव्य जो ये यज्ञ का होता है, ये देखो पूरा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है पूरा। और दिखाते हैं ये,
ये देखो पूरा बना हुआ है श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम ट्रस्ट भरथना। ये देखो पूरा बना हुआ है, ये देखो इस तरीके की हरियाली चारों तरफ लगी हुई है तो काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है यहाँ पे। ये देखो इस तरीके का पूरा हरियाली लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। ये देखो इस तरीके का आप वहाँ तक देखेंगे राउंड में तो काफ़ी सुंदरता है इसमें। ये देखो काफ़ी अच्छी सुंदरता है यहाँ पे। ये देखो और उस साइड गार्डन भी बना हुआ है और उस साइड। ये देखो ये मंदिर पे अभी प्रोग्रेस चल रहा है, पूरा बन के मंदिर तैयार होने वाला है, काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर है। ये देखो पीछे यहाँ पे पूरा गार्डन वगैरह था और तालाब वगैरह है। और इस साइड ये देखो पूरा है और इस साइड है देखो एक हनुमान का तिष्ठ मंदिर, तो वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ का भी पूरा व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे भागवत वगैरह होने के लिए ये देखो पूरा ग्राउंड है, कि भागवत वगैरह जब भी कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो सारे कार्यक्रम यहीं होते हैं। और अभी चल रहे हैं हनुमान मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे ही बना हुआ है एक हनुमान मंदिर, जो विश्व संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित है, अंकित है। ये देखो पूरा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़ी अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। ये देखो काफ़ी दर्शक लोग देखने आते हैं, मंदिर के दर्शन वगैरह करने आते हैं। और ये यहाँ पे देखो आप पास से दिखाते हैं आपको पूरी प्रतिमा, क्योंकि काफ़ी अच्छा भव्य प्रतिमा है यहाँ पे है। और ये देखो काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, चलते हैं प्रतिमा के थोड़ा सा पास। ये देखो ये तो काफ़ी बड़ी प्रतिमा, लगभग 8-10 फिट की प्रतिमा की करीब है। ये देखो यहाँ से नीचे से पहुँचे, ये देखो पागल बाबा मंदिर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है एक पंचतल विलीन स्थल, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी भव्य बना हुआ है, क्योंकि इटावा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा स्थल यही बना हुआ है। देखो दिखाते हैं, तब भी बहुत अच्छा स्थल है यहाँ पे, अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे चलते हैं अंदर, फिर अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं आपको पूरा। ये जब मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखो आपको कई सारी भगवान की प्रतिमाएं दिख जाएंगी। ये देखो तो काफ़ी बड़ा बना हुआ, ये देखो यहाँ पे काफ़ी भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये देखो पूरा, ये मेघ राशि, ये देखो सभी राशियों के चिन्ह दिए गए हैं, जितनी भी राशियां दी गई हैं सभी के चिन्ह दिए गए हैं। ये देखो जितने भी आए आपको इस तरीके के ये दिख रहे हैं। ये देखो मेघ राशि, ये सभी राशियों के अलग अलग हिसाब की, ये देखो सब चिन्ह बनी हुई हैं। पागल बाबा मंदिर पूरा देख लिया, आप चल रहे वापस घर की ओर, क्योंकि काफ़ी समय लग गया वहाँ पे घूमते। आप चल रहे घर की ओर, क्योंकि काफ़ी अच्छा मंदिर था, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे घूम के और काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। आप चल रहे वापस, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और वहाँ के जो और वो सीन वगैरह तालाब वगैरह कैसा था वो सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।